मैंने जब ये स्टोरी सुना और जो टीम इसको बना रही है उनके बारे में सुना तो आई थिंक मुझे इसका हिस्सा होना ही है. एंड जब ये फिल्म 3D में शूट हो रही है तो आई थिंक वो एक एक्सपीरियंस जो है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है. तो मुझे बहुत मज़ा आया शूट करने में. जस्ट लाइक पार्वती सेड, एक मौका मिल रहा है टू डू समथिंग डिफरेंट. मतलब और सिद्धार्थ रॉय कपूर, बिजॉय नाम्बियार, ऐसे लोग जुड़े हुए हैं, शेखर प्रसाद, अक्षय अकिनी हमारे डायरेक्टर, तो इट्स अ नो ब्रेनर यार. मतलब हमारे बॉलीवुड में बहुत कम फिल्में बनती हैं, बहुत कम ऐसे मौके मिलते हैं कि आपको अलग किरदार मिल रहा है, अलग फिल्म मिल रही है. यूजली आपको बॉलीवुड फिल्म मिलती है. तो मैं बहुत खुश था यार, और मुझे लगता है कि ऐसी ही फिल्में दर्शकों को पसंद आ रही हैं आजकल, इसलिए हमें ये मौका मिला है, इसलिए हम आपके माइक के सामने खड़े हैं आज. 3D कैमरा के साथ काम करना एक्चुअली वो टेक्निकल टीम पे ज़्यादा होता है, बिकॉज दे हैव टू गाइड द नेगेटिव एंड हाउ थिंग्स आर वर्किंग. एक्टर के लिए ज़्यादा नहीं होता है, और मैं भी ये चाहता हूँ कि मैं ज़्यादा सोचूँ नहीं उसके बारे में, लेकिन डेफिनेटली थोड़ा बहुत तो फ़र्क होता है. डिफरेंट होता है, पर आई थिंक 3D में शूट करने में मज़ा ही आता है कि जब हम एक ये ऐसे जॉनर की मूवी देखते हैं जो थ्रिलर है, सस्पेंस है, और उसमें जो VFX जो इस्तेमाल हुआ है, तो आई थिंक जब वो 3D एस्पेक्ट में देखते हैं तो उसका मज़ा यू नो 3 गुना बढ़ जाता है. तो आई थिंक वो एक हमारे लिए बहुत ही अलग तरीके का एक्सपीरियंस था, और जब हम स्क्रीन पर देखते हैं हमें खुद यू नो खुद के चेहरे को 3D में, तो बहुत मज़ा आता है. तो आई थिंक वो बड़े स्क्रीन पर और भी उसको उठ के दिखेगा. लोग याद करेंगे कि यार पिज्ज़ा, अरे पिज्ज़ा फिल्म आई थी, कितनी अच्छी फिल्म थी, चलो पिज्ज़ा खाते हैं. हमने पिज्ज़ा को डिस्ट्रॉय करने के लिए फिल्म नहीं बनाई है. येस, आई प्ले द कैरेक्टर ऑफ दिस हॉरर स्टोरी नॉवलिस्ट हु इज मैरिड टू अक्षय कुनाल, जिनका नाम है इस फिल्म में, एंड ये एक पिज्ज़ा डिलीवरी बॉय है. तो इन हमारी जो लाइफ है वो ज़्यादा मतलब एकदम लैविश नहीं है, बट वी लाइक वी ट्राई एंड मेक इट एज नाइस एंड हैप्पी एंड रोमांटिक एज पॉसिबल, बिकॉज हम दोनों में जो रैपो रहा है वो काफ़ी सालों का एक यू नो हम साथ रहे हैं, तो आई थिंक वी अंडरस्टैंड ईच अदर अलॉट. इसीलिए मैंने मेरा जो कैरेक्टर है, जो पूरे घर को मैंने भूत बंगला बना दिया है, लेकिन वो ये सहते हैं बिकॉज इन्हें पता है कि मैं अपने प्रोफेशन को कितना पसंद करती हूँ. तो आई थिंक वो उठ के दिखता है, वो रैपो, वो केमिस्ट्री. आई थिंक वो जो कैरेक्टर और जो कैरेक्टर है इस फिल्म में निकिता का, वो बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही आउटगोइंग है. वो बहुत मतलब कुछ सोच लेती है तो वही करती है. तो आई थिंक वो मेरे कैरेक्टर को बहुत सूट करता है, क्योंकि मैं भी बहुत हद तक वैसी ही हूँ. माय कैरेक्टर एक पिज्जा डिलीवरी बॉय है, कुणाल माल खोलकर. वो एक डिलीवर करने जाता है एक घर में, एक भूत बंगले में, और कुछ चीज़ें उस घर में ऐसी होती हैं कि लाइफ चेंज हो जाती है उसके बाद. और आगे आगे क्या होता है, किसके कारण, किसके वजह से होता है, पार्वती क्रिएट करती, मैं क्रिएट करता हूँ, हॉन्टेड हाउस की जो चीज़ें हैं, पता नहीं, आपको देखना पड़ेगा उसके लिए. गाने हैं, बट हमने ये कोशिश की है कि गानों की वजह से हमारे फिल्म का जो इंटरेस्ट है वो निकल ना जाए. तो जो भी गाने हमने यूज़ किए हैं वो भी सिचुएशन के हिसाब से उसे डाला गया है इस फिल्म में. तो गिमी पिज़्ज़ा जो सॉन्ग है वो इनका इंट्रोडक्शन है कि इनका प्रोफेशन क्या है, क्या 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 यू नो उनको गुजरनी पड़ती है एक दिन में, किन के किन किन तरह के लोगों से मिलना पड़ता है एज अ पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय. तो वो दिखाया गया है. देयर इज अ वेरी सॉफ्ट रोमांटिक नंबर जो विच शोज़ अबाउट आर केमिस्ट्री, आर लाइफ टुगेदर. एंड देयर इज दिस नाइस जैज़ी पेपी नंबर. एक अलग ही तरीके का रॉक मेटल सॉन्ग है. तो हमने जो एल्बम में भी एक ऑनसॉम्बल क्रिएट किया है ऑफ डिफरेंट जॉनर्स ऑफ सॉन्ग्स जो इस फिल्म को एनहांस करेगी और ना कि डिस्ट्रैक्ट करेगी फ्रॉम द प्लॉट. यार मैंने पढ़ा उसके बारे में कि एग्जोसिस्ट में यूज़ किया गया सिमिलर शॉट, बट मैं आपको एक्चुअल किस्सा सुनाता हूँ. हम लोग सेट पे थे और जो आपको पोस्टर में नज़र आ रही हैं दिव्या, शी इज़ अ जिमनास्ट. तो हम लोग सेट पे खेल रहे थे, मतलब टाइम था, शॉट सेटअप हो रहा था, 3D है तो ज़्यादा टाइम लगता है. और दिव्या ने कहा दादा, शी कॉल्स मी दादा, ये देखो, एंड शी स्टार्टेड डूइंग दिस वॉक जो आपको दिख रहा है. तो अक्षय को मैंने बुलाया जो हमारे डायरेक्टर हैं, और मैंने कहा यार ये देख क्या कर रही है. तो उसने देखा और एक्चुअली शॉट कोई दूसरा सेटअप था, वो कुछ क्लाइंब कर रही है वॉल पे, कुछ ऐसे चल क्रॉल कर रही है, रेंगते हुए दीवार पे जा रही है. इमीडिएटली सेड उसको कैंसिल करो, ये डालो. तो ऐसा नहीं है कि हमने एग्जोसिस देखी फिर हमने कहा कि चलो जिमनास को ढूंढो जो एक्टर भी है और ऐसा करवाओ उससे, ऐसा बिल्कुल नहीं था. वी नॉट सेलिंग इट एज अ हॉरर फिल्म. इट्स नॉट अ आउट एंड आउट हॉरर फिल्म. इट्स अ सस्पेंस थ्रिलर विद एन एलिमेंट ऑफ हॉरर.
पार्वती इज डूइंग अ वेरी स्पेशल फिल्म, अ वेरी डिफरेंट फिल्म. उसका काम भी बढ़िया है फिल्म में. और बहुत कम एक्ट्रेसेस जो इतनी खूबसूरत हैं, इतनी ग्लैमरस हैं, वो आर नोन फॉर देयर मॉडलिंग एंड थिंग्स, वो डू अ फिल्म लाइक दिस. यूजली देड लाइक टू से कि चलो मैं ग्लैमरस हूँ और लोग मुझे ऐसे देखते हैं, लेट मी ऑल्सो बी ग्लैमरस. सो हैट्स ऑफ टू हर फॉर पिकिंग अ फिल्म लाइक दिस. अभी मैं उसका आंसर देना चाहूँगी. आई थिंक वो जो लिटरल सेंस में हम कहते हैं कि वी हैव लिटरली पुट आवर ब्लड एंड स्वेट इन टू द फिल्म, ही हैज लिटरली डन दैट. एंड आई थिंक एवरी सीन जो भी शूट हुआ है, आई थिंक इसने अपना पूरा, मतलब नॉट 100%, आई वुड से 200% दिया हुआ है. एंड आई थिंक वो इस फिल्म का यू नो फिल्म को सबसे हटाता है, द फैक्ट दैट एवरीवन इज गिवन इन देयर बेस्ट. पिज्जा में जो क्या बोलते हैं ना, एक स्पेशल इफेक्ट, जो स्पेशल फैक्टर है वो ये है कि एक्सेप्ट फॉर अक्षय एंड यू टी वी, इट्स एवरी बडी इज फ्रॉम द साउथ. सो जो टेक्निकल नॉलेज उनमें होती है वो सुपर्ब है. पर नहीं यार, मतलब एक्चुअली एज शी सेड, साउथ इंडियंस आर द बेस्ट टेक्नीशियंस पूरे इंडिया में. तो इट्स एन ऑनर टू हैव वर्क्ड विद अ टीम लाइक दिस. सबसे प्रोफेशनल होते हैं एंड दे नो देयर जॉब यार. तो बोथ ऑफ अस, हम सबको ट्रबल करते हैं, आपको भी ट्रबल करेंगे 18 जुलाई को. आई थिंक बहुत परेशान किया है हमने, नॉट इन द सेंस कि लोग ऐसे मतलब फ्रस्ट्रेट नहीं हुए, हमने बहुत मस्ती मजाक बहुत की है. हमने मस्ती बहुत की है. फॉर एन एक्टर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट बॉक्स ऑफ सक्सेस, उसके बाद ही आपको ज्यादा फिल्में मिलती हैं, आपको काम मिलता है, हमें क्रिटिकल अक्लेम मिलेगा बिल्कुल, और आपको काम मिलता है एज एन एक्टर. तो आई थिंक बॉक्स ऑफ ऑडियंस इज द बॉस. हम ऑडियंस के लिए फिल्में बनाते हैं. Hopefully they like it. Hopefully it's a special audience that will like this film, and I hope we've done justice to them.